जम्मू कश्मीर के डोडा में फिर आतंकी हमला, ये अगली खबर है। देखिए डोडा के गंदोह ये लोकेशन है जहां पर फायरिंग की रिपोर्ट मिलती है। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की भी खबर है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच आज देखिए किस तरीके से अशांति का ये चौथा दिन है और लोकेशन चौथी है जहां गोलीबारी में पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर है। डोडा के गंदोह ये लोकेशन इलाके में आतंकियों की फायरिंग की खबर आई है और इसी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। अब आतंकियों की तलाश की जा रही है। लगातार ये चौथा दिन है जब सर्च ऑपरेशन चौथी लोकेशन पर चल रहा है। और देखिए कठुआ में मिले पाकिस्तानी साजिश के सबूत की बात करते हैं। कठुआ से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, पाकिस्तानी दवाई ड्राई फ्रूट्स मिले हैं, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट्स भी मिली हैं, M4 कार्बाइन और स्टील बुलेट्स इसके प्रमाण हैं जो कि बरामद किए गए हैं। तो देखिए इन तमाम चीजों की मदद से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पे दिखाई देती है, किस तरीके से पाकिस्तान इन्वॉल्व है इन आतंकी साजिश में, हमले में, अशांति में। जम्मू के कठुआ के हीरानगर में 16 घंटे चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया है। 16 घंटे चली इस मुठभेड़ के बाद जब ये आतंकवादी मरे और तो अपने पीछे छोड़ गए सबूत इस बात के कि वो पाकिस्तान से आए थे, सबूत इस बात के कि पाकिस्तान लगातार अभी भी आतंकवादियों को भारत की शांति भंग करने के लिए भेज रहा है, सबूत इस बात के कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने के लिए पाकिस्तान अभी भी जिम्मेदार है। शुरुआत में यहाँ से करूँगा, आप देखिए मेरे सामने जो सामान पड़ा है, खाने पीने का सामान है, दवाइयाँ हैं और चॉकलेट्स हैं, ये सब पाकिस्तान में बनी है। ये दवाई देखिए, ये बैंडेज है, अगर कोई आतंकवादी घायल हो जाता है तो उस समय अपने खून का रिसाव रोकने के लिए ये बैंडेज इस्तेमाल होता है और ये बैंडेज बना है पाकिस्तान में, लाहौर में। ये टॉफ़ी देखिए, ये पाकिस्तान में बनी है। ये चॉकलेट्स देखिए, ये पाकिस्तान में बने हैं। तो ये सबूत काफ़ी है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान अभी भी जम्मू कश्मीर और भारत में हिंसा फैलाने के मकसद से आतंकवादी भेज रहा है। इन आतंकवादियों का मकसद एक और था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जाने लेना, जिसका सबूत यह M4 कार्बाइन मैगजीन है जो US में बनी है और ये AK-47 राइफल है। बता दूं ये M4 मैगजीन जो है इसमें अगर ये हरे रंग की बुलेट डाली जाए तो ये स्टील बुलेट कहलाती है और ये जो सिपाही अपने बचाव के लिए पटका और जैकेट पहनता है, ब्लड प्रूफ जैकेट पहनता है, ये गोलियां और ये मैगजीन और ये M4 जो कार्बाइन है ये उससे भेदने में सक्षम है। मतलब जो सुरक्षा बल देश के लिए इन आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं, अगर इस कार्बाइन से चली ये गोली उन्हें लग जाती तो उनके शरीर पर लगा BP जैकेट भी कोई काम नहीं कर पाता। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों को इन आतंकवादियों के पास से मैगजीन्स, ग्रेनेड्स और 2 लाख रुपया कैश मिला है और ये सभी जो है ये सारा सामान यहाँ पर ये लाए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें ली जा सकें। लेकिन यहाँ सलाम करना होगा सुरक्षा बलों के उस जज्बे को जिन्होंने 16 घंटे बगैर कुछ खाए पिए गर्मी में इन आतंकवादियों को न केवल घेर के रखा बल्कि इन्हें इनके अंजाम तक भी पहुंचा दिया। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाशलो, एबीपी न्यूज कठुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।